بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. المنصوب بلا التي لنفي الجنس هو المسند إليه بعد دخولها يليها نكرة مضافا أو مشبها به. तवज्जो के साथ बात समाप्त करेंगे तो फायदे में रहेंगे। तर्जमा देख लिया, वो मनसूब जो ऐसे ला के ज़रिए से हो जो नफ़ी जिन्स के लिए है, वल मुसनदु इलैहि बादा दुखूलिहा, और ये मनसूब जो बिला है ये मुसनद इलैहि होता है, वह कि ज़मीर का मर्ज़ बता रहा हूँ, ला के दाखिल होने के बाद आगे लिखा है इस हाल में यली यहाँ, एक नंबर हाशिया लगा लीजिएगा, हा के ज़मीर का मर्जा ला है, यली हा और यली मतलब में जो फेल है इस ज़मीर में वह ज़मीर मर्जे है वो मुस्तद है, यली हा नके रतन इस हाल में के मुस्तद एले क्या हो, नकरा से मुत्तसिल हो, ठीक है, वलिया यली मतलब मुत्तसिल और करीब होना, तो अलमुसनद इलैहि बादा दुखूलिहा के बाद यलीहा जो आया ना वला यली, तो यली फेल मुज़क्कर है, इसमें हुआ कि ज़मीर उसका फ़ाइल है राज़े बसुए अलमुसनद इलैहि, ठीक है। अच्छा, यलीहा नकिरतन इस हाल में ये नकिरतन तमीज़ है, तो यलीहा ये ला से मुसनद इलैहि मुत्तसिल हो इस हाल में के क्या हो जाए भैया, वो नकिरा हो, नकरे हो, मुजाफ हो या मुशाबे मुजाफ हो। इसको समझाने के लिए बात गर्दन उठाइए, वो मनसूब जो ला नफी जिनसी के ज़रिए से होता है तो ला नफी जिनसे के दाखिल होने के बाद वो मनसूब क्या बनता है, मुसनद इलैहि बनता है, ठीक है। उसके मनसूब होने के लिए कुछ चीज़ें दरकार हैं, पहली चीज़ तो ये है कि वो मुसनद इलैहि ला से जो क्या हो मुत्तसिल जो है ना यलीहा, तो ये भी हो सकता है कि यली हा, हा के ज़मीर का मर्जा ला है, तो यली हा मुसनद इलैहि हा से ला से मुत्तसिल हो इस हाल में के उसके बाद क्या हो जाए, वो नकरा हो, मुजाफ हो या फिर मुशाबे मुजाफ। मिसाल क्या उन्होंने दी है, ला गुलामा रजुलिन ज़रीफ़ुन फीहा, आपने पीछे पढ़ा था तवज्जो बड़े ला नफी जिन्स के इस्तेमाल के बारे में, इसका इराब क्या है, तीन तरीके से आता है, पढ़े थे ना, मुफरद हो, मुजाफ हो या मुजाफ, क्या मुशाबे मुजाफ, तो मुजाफ और मुशाबे मुजाफ की सूरत बनती है वो एक ही बनती है, मनसूब होती है तो मनसूब की कैफियत कभी अलग है, कभी ज़बर हो जाए, कभी क्या हो जाए तो तनवीन आ जाए, मनसूब तो है लाम आला, अगर क्या हो जाए वो ये दोनों ना हो तो क्या बनेंगे, वो मुफरत बनेंगे, मुफरत बनेंगे तो उसके बारे में आगे आया है वह ममली क्यों ना यूनसब, तो हालत नसब पर क्या हो जाएगा, वो हालत नसब क्यों कहा कि नसब की एक हालत नहीं होती है, कभी ज़बर हो जाए, कभी दो ज़बर भी हो जाए, कभी कुछ और हो जाए, कभी तसनिया हो जाए, कि ला रजुल फिद्दार, ठीक है, ला रजुलैनी फिद्दार, ला मुस्लिमीना फिद्दार, ये सब क्या मुफरत है कि नहीं, मुफरत इस चेन से मैं पहले बताया था कि मुफरत के चंद माने आते हैं, कभी मुफरत मुजाब और मुशाबे मुजाब के मुकाबले में बोला जाता है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मुजाब और मुशाबे मुजाब के मुकाबले में है, तो मुफरद होगा या अगरचे वो क्या हो जाए, वो तस्निया हो जाए, या अगरचे क्या हो जाए, वो जमा हो जाए, क्योंकि मुफरद का माना यहाँ पे क्या है, जो मुजाब और मुशाबे मुजाब ना हो, तो जो मुजाब और मुशाबे मुजाब के अलावा जितने आएंगे सबको किस में रखा जाएगा, मुफरद के खाने में रखा जाएगा, समझ रहे हैं। अगर हमने कहा कि ला रजुलैनी फिद्दार तो ये क्या बनेगा, तस्निया है ना, तस्निया है, लेकिन इसको क्या कहा जाएगा, मुफरद कहा जाएगा, इसलिए कि यहाँ मुफरद किसके मुकाबले में है, मुजाब और मुशाबे मुजाब के मुकाबले में, समझ में आ रहा है ना जी। चलो, तो ला रजुला फिद्दार मुफरद है, हकी मान मुफरद है जी। ला रजुलैनी फिद्दार तस्निया है, लेकिन है क्या वो मुफरद है, क्योंकि मुकाबले किसके में है, मुजाब और मुशाबे मुजाब के, समझ रहे हो भाई, और जमा लिखा जाए मिसाल के ला मुस्लिमीना फिद्दार, ठीक है, कोई मसला नहीं है। चलो, अब यहाँ पे कुछ साहिब किताब की कुछ अहमियत देखें, दीगर किताब में आपने पढ़ा था कि ला रजुला फिद्दार, ये पढ़े थे आप, ला रजुला
इबारत देखना सही से मिलाना ना पड़े कि ये वो मनसूब जो ऐसे ला के ज़रिए से जो जिंस के लिए होता है, ये मनसूब जो होता है मुसनद इलैह बनता है ला के दखल होने के बाद, इस हाल में कि ये मुसनद इलैह क्या हो जाए से मुत्तसिल हो ला, और कंडीशन ये हो कि क्या हो जाए वो नकरे मुजाफ या मुशाबे मुजाफ हो। आपने पढ़ा था हाल मुतदाखिलन और मुतारिफन पढ़े थे, यहाँ ये सूरत बन सकती है। ठीक है कि ये लिया है, ये पूरा जुमला क्या है हाल बन रहा है। ठीक है या नहीं, ठीक है नकरा तो नहीं, तमीज़ी है। मिसाल के इन्होंने पेश की बड़े ला रजुला ला गुलाम रजुलिन ज़रीफ़ुन फ़ीहा, तो इन्होंने क्या पेश किया है ला गुलाम रजुलिन ज़रीफ़ुन फ़ीहा, दो खबर हैं, ज़रीफ़ुन खबर अव्वल है और फ़ीहा क्या है खबर सानी है। हाशिम में जो ये लिखा है इन्नमा अता या उतिया बिकौल ही फ़ीहा, ज़रीफ़ुन फ़ीहा ले क्या है क्यों लाए, इसकी वजह लिखा है वलम यकतफ़ी बिकौल ही ज़रीफ़ुन लिअल्ला यल्ज़मल कदिबु बिनफ़ी ज़राफ़ती कुल्ली गुलामी रजुलिन, अगर ये हम बोल देते कि ला रजुला गुलामा रजुलिन ज़रीफ़ुन, किसी भी आदमी का ग़ुलाम ज़रीफ़ नहीं है हसमुख नहीं है, तो झूठ हो जाता जी। दुनिया में कोई भी बंदा ऐसा नहीं है जिसके पास कोई ग़ुलाम मौजूद हो वो हंसने वाला हो, हमेशा गुस्सा करने वाला, ऐसा तो नहीं है भैया। उस मानस से बचने के लिए फ़िया का इन्होंने इजाफा कर दिया। ठीक है चलो, अलग अलग मिसालें इन्होंने बात पेश की। ये किसकी मिसाल है, मुजाफ इलैह की मिसाल है, क्या कहना चाह रहे हो, कुछ बात है, बहुत जमाए ले रहे हो लोग खड़े कर। उसके बाद आगे देखो बेटे, ये किसकी मिसाल है बेटे, मुजाफ की मिसाल हो गई। अब देखो आगे वला इशरीन दिरहम, किसकी मिसाल है ये मुशाबे मुजाफ की। मुशाबे मुजाफ के बारे में मैंने पीछे बताया था, आपको याद आ रहा है, मुशाबे मुजाफ किसे कहते हैं, मत्तसर भी लिखा होगा लफ्ज़ुन युतम्मिमु माना, कि जिस तरीके से मुजाफ का माना है मुजाफ़ इलैह के मिलाए बगैर मुमकिन नहीं है, तो मुशाबे मुजाफ उन सूरत को कहते हैं कि जहाँ उसके साथ जब किसी दूसरी चीज़ को ना मिलाई जाए तब तो उसका माना समझ में ना आए। इशरीन बीस, क्या बीस भैया, जैसे जिस तरह की मुजाफ इलैह क्या मुजाफ होता, जिस तरह मुजाफ अपने मुजाफ इलैह का मोहताज होता है, तो इस एहतियाज में मुशाबे मुजाफ भी क्या है अपने किसी न किसी चीज़ का क्या होता है मोहताज है। तो यहाँ पर मुजाफ तो नहीं है मुशाबे मुजाफ में, लेकिन जिस तरीके से मुजाफ मोहताज होता है अपने मुजाफ इलैह का, ऐसे मुशाबे मुजाफ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके बाद किसी चीज़ का जिक्र करना ज़रूरी होता है। जैसे क्या आपने बयान कर दिया मुबैन जी, बयान किया मातुबल है, ठीक है, एक है मातुबल है दूसरा क्या है मातुबल है, तो मातूफ का माना है मातूफ इलैह के बगैर समझ में आएगा आपको नहीं समझ में आएगा, वो भी चले जाएगा मुशाबे मुजाफ पे। आपको खुलासा तुन्नों के हाशे में इसकी तफसील मिल जाएगी, वहाँ नहीं देख पाओगे तो उसके आगे आप चले जाइए काफ़ी है तुन्नों, उसके अंदर सादे ग्रामे ने तफसील के साथ में उसका बयान किया है मुशाबे मुजाफे की तफसीलात के अंदर। चलो क्यों आप लोग आज के इस तरह मुरझाए हो गई, मुझे मजा है तो मुझको बोलना चाहिए बेटा, मुझे तो बुखार भी है। चलो ये आवाज़ की इलाज भी चल रहा है, बार बार दिक्कत भी कर रहे, समझ में नहीं आ रहा। देखो मुशाबे मिजाब की मिसाल वला इशरीन दिरहमन लका, वला इशरीन तुम्हारे लिए बीस नहीं है, मतलब दिरहम तुम्हारे लिए बीस दिरहम नहीं है, दिरहम बोलते रहे बीस बीस क्या बीस, तो दिरहमन उसका बयान आ गया। तो इशरीन लफ्ज़ क्या है मोहताज है दिरहमन का, जिस तरीके से मुजाब क्या है मोहताज होता है मुजाफ इलैह का, ऐसे कुछ कलिमात ऐसे होते हैं जो अपने माँ बाप के क्या होते हैं मोहताज, उन कलिमात को क्या कर दिया था मुशाबे है मुजाब, क्यों क्या हो गया वो बात है क्या, वो भी है ना उसकी भी मिसाल आती है, वो भी तकरीब आती है, सारी सूरतें हैं चार सूरतें हैं चार पाँच सूरत हैं, कहाँ बहन पड़े हैं हम पला सुना कर, क्या हो गया सर कोई बात है क्या हुसैन, कुछ बोलना चाहते बोलो, कुछ फ़र्क है थोड़ा वो फ़र्क हो सकता है तमीज़ अलग अलग जेस से, इबाम क्या कर रहा है बयान दूर कर रहा है, ठीक है तो आपने क्या कर लिया, तो ये लफ्ज़ किसको देखा आपने तमीज़ को देखा, तमीज़ के जिसे जैसे क्या चले गए ममैस, उसका बयान आ गया, अब उसके ममैस को देखा तो दो उठा के लेके चले गए आप मुशाबे मुजाफ में, ठीक है
जेठा अलग हो गया ना भाई, एक बंदा क्या होता है, बाप भी होता है बेटा भी होता है, जिस जैसे बाप है उस जैसे बेटा नहीं, जिस जैसे बेटा है जैसे वो, ठीक। तो तमीज को देखेंगे तो उसकी अपने अलग जेहत होगी, उसके अलग काम होंगे, लेकिन एक मीनिंग के अतबार से आप देखेंगे तो क्या आएगा आपको समझ में आएगा। तो अल्फाज के अतबार से क्या है, यूँ समझ लो अल्फाज के जैसे ममैस तमीज़ की कैफियत है, लेकिन अगर मीनिंग के अतबार से देखा जाए मानवीय अतबार से ये मोहताज वगैरह नहीं हो रहा तो उसमें चले जाएगा मुशाहिद मज़ाफ़। जिसे आपको बताया गया मातो मातो वाले की तरकीब भी ऐसी होती है, उसमें भी क्या है मुशाहिद मज़ाफ़ की सूरत पैदा होती है, फ़र्क क्या हो जाएगा, फ़र्क वही जेहतु का फ़र्क है। अब पहली सूरत का बयान उन्होंने बयान कर दिया, जब क्या हो जाए भैया मुजाफ या मुशाबे, एक सूरत नहीं है बल्कि उसके कितनी सूरत बयान होगी, दो सूरत लाइन हफी जिसके केस में क्या हो मुजाफ हो या मुशाबे। हम लोग शांति भी बैठा भाई, ऐसे किसी बैठे हो, एक्टिव होकर बैठे एक्टिव। अब यहाँ से तीसरी सूरत का बयान है, फ़ैन का न मुफरदा फव मबनिक्यून आलामा यूनसब, और अगर क्या हो लाए नफी जिनस का इस्म मुफरद हो, मुफरद का माना मैंने बताया ना आपको जी, वो याद रखे शे ना तो रफुल अशिया भी अजदाद, ये चीज़ें अपनी जिदों से पहचानी जाती हैं। एक जगह ये बयान किया मुजाफ मुशाबे मुजाफ मुफरद हो तो मतलब यहाँ मुफरद का कुछ और माना हो गया। तो एक लफ्ज़ मुफरद कई मानों में नह में इस्तेमाल होता है, मुफरद कभी बोलेंगे यानी तस्निया नहीं जमा नहीं, मुफरद है यानी मुरक्कब नहीं, मुफरद है यानी जुमला नहीं, मुफरद है यानी मुजाफ नहीं, मुफरद है यानी मुशाबे। कितनी सूरत बन गई, चार से पाँच सूरत बन गया, आ रही कि नहीं आ रही, इन चीज़ों को समझ रहे हैं, समझ लेना अच्छे से। बल्कि हकीकत बात तो ये है कि ये चीज़ें मैं जब पढ़ने के ज़माने में मुझे बड़ा कन्फ्यूज़ होता था, अरे क्या है इधर मुफरद भी कह रहे हैं मुफरद भी कह रहे हैं, शायद कि ऐसा लगता है कि बताया ना गया हो। बाद में कुछ दिनों के बाद दरस निज़ामी में मुझे समझ में आ गया कि कहना क्या चाह रहे हैं, ऊपर जैसे ही पूछा था। चलें आलामा यूनसब उस पर मबनी होगा जो क्या हो, यानी अलामत नसब पर यह मबनी होगा, उस पर मबनी होगा जिसके ज़रिए नसब दिया जाता है। तो भाई अलामत नसब कितने हैं भैया, मनसूब की अलामत है अलग अलग है ना, चार है कितने हैं सब याद नहीं इन लोगों, अलामत रफा अलग है, अलामत नसब अलग है, तो ज़्यादा कि नहीं आ रहा है जी है, तो उसको देख लीजिएगा आप, ला रजुला फिद्दार, ठीक है जी, ला रजुला रजुलैन फिद्दार, ला रजुलीना फिद्दार, जमा तो नहीं है, ला मुस्लिमीन फिद्दार, रजुलीन कर रहा हो अब बन गया ला मुस्लिमातीन फिद्दार, तनवीन में लेके आ गए आप। तो नसब की जितनी भी सूरत बन जा रही है आप, वो जब मुफरद होंगे ना तो वहाँ पे आप सब सूरत आप फिट कर सकते हो, समझ में आ रही बात जी। चलो इबारत मुख्तसर है बुझा में, अब यहाँ से क्या आया अभी, वैन काना मारिफतन अव मफसूलन, या अब बात आई, अब तो नकरा था, नकरा था मुजाफ था या मुशाबे मुजाफ था। अब दूसरा मसला क्या था भैया, कि नकरा था मुफरदी था, ला रजुला फिद्दार नकरा था मुफरदी था, अब क्या बन गया कंडीशन, आप नकरा हो मारिफा हो जाए, मारिफा हो जाए भी नकरा हो जाए कैसे होगा भैया, यानी मारिफा हो जाए। वैन का ना मारिफतन तफसीर से तवज्जो से देखना पड़े, बहुत ज़बरदस्त गुफ्तगू है, और अगर मारिफा हो कौन मारिफा हो भैया, लाइन है जिनसे का इसमें तवज्जो देख बड़ा पट, औ मफसूलन बैनहु व बैना ला, अय्या तवज्जो, मारिफा हो जाए ला जैदुन फिद्दार वल अमर, या क्या हो जाए कि मफसूलन बैनहु व बैना ला, इसके तो हाशिए में क्या लिखा है, तवज्जो से पढ़िए तो उसको हाशिए की तरफ आई, इसमें कुछ तफसील गुफ्तगू जी लिखा गया है, अगर ये लाया नबी जिनसे का इसम क्या हो नकरा ना हो मारिफा हो, या उसका जो इसम बन रहा है उसके दरमियान और उस ला के दरमियान क्या कर लिया जाए फ़सल कर दिया जाए, दो तरह के ला हो जाएंगे, मतलब क्या है, एक ला नबी जिनस का हो जाएगा, एक दूसरा ला, दो ला आ जाए, ठीक है, दोनों ला के दरमियान क्या है किसी न किसी के ज़रिए से कुछ फसल हो जाए। मिसाल देख लें आप, ला फिद्दारी लिखा क्या है रजुलुन वला इमरातुन, तो ला नफी जिन्स का इसम कौन है, ला के बाद रजुल है आशा में लिखा होगा, ठीक है, तो ला नफी जिन्स के इसम के दरमियान और उसके बाद जो दूसरा ला है, दो ला बयान करेंगे बड़े तवज्जो देखो,
आपने उसमें पढ़ा होगा इसके अंदर कौन सी किताब है, दूसरी बलागा है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो मकान के अतबार से होती हैं, कुछ मायाकुन के अतबार से होती हैं, आया कि नहीं आया? नहीं आया। इन आसिर खमरा को शशमा सानी में पढ़े हो, चलो फिर ना, तो वो बात अगर आप पढ़े होते ना फौरन बात समझ में आती। यानी ला नफी जींस का जो इस्म बन रहा है उस इस्म के दरमियान और उसके बाद जो दूसरा ला है कुछ ना कुछ फ़र्क कर दिया जाए, तो ला नफी जींस के दरमियान फ़र्क हो जाए या उस ला का मुकर्रर ला के लिए इस्तेमाल कर देंगे आप तो रफ़ा देना ये लाजिम ज़रूरी है। तवज्जो देखिए, आप मिसाल देखिए क्या लिखा है हाशिए में, मिसाल है नहीं दिया तो मिसाल लिख लो आप, ला फिदारे रजुल वला इमरातुन, लिख लीजिए इसको, इनकार मारिफतन, अगर मारिफा उसकी मिसाल दी कि ला जैदुन फिदारे वला अमरुन, ठीक है ये मिसाल है, नहीं लिखा है, दिया होना चाहिए, कहाँ मुझे नज़र नहीं आ रहा है, कहाँ है, किधर है वो वजह तकरीर के बाद लिखा है, मिसाल लिखा होगा, हाँ मिसाल, हाँ ला जैदुन फिदारे वला अमरुन लिखा है, इनकार मारिफा, अगर ला नफी जींस के इसमें क्या हो मारिफा है कि नहीं, मारिफा ला जैदुन है, ला जैदुन फिदारे वला अमरुन मारिफा है दोनों को दोनों, तो मारिफा हो जाए तवज्जो बढ़े तवज्जो, अगर ला नफी जींस के इसमें क्या हो मारिफा हो तो तकरार लाजिम है ना, लाम की तकरार लाजिम है, तो ला जैदुन फिदारे आगे क्या है वला अमरुन, लाम की तकरार हो गई, और क्या वाजिब है, रफा वाजिब है, रफा भी है कि नहीं इसमें, ला जैदुन फिदारे वला अमरुन, ला की लाम की तकरार भी और रफा भी, फाइनल हो गया। अब मफसूलन बैन व बैन ला, या ये ला नफी जींस का जो इस्म है उसके दरमियान उसके बाद जो दूसरा ला आ रहा है क्या कर दिया जाए, फसल कर दिया जाए, मिसाल क्या उसकी आएगी देखो, ला फिदारी जैदुन वला इमरातुन, यानी ला नफी जींस के इस्म के दरमियान फसल कर दिया जाए, देखो लिखा है फसल की मिसाल, ला फिदारी रजुलन वला इमरातुन, फसल है ला नफी जींस और उसके इस्म के दरमियान फसल है कि नहीं, देखो फसल है, तो क्या कह रहे हैं, वजब तकरार, वजब रफू व तकरीर, इसमें क्या है रफा भी ज़रूरी है और तकरार भी लाजिम है, किसकी तकरार लाजिम है, लाम की तकरार, तो खुलासे कलाम ये कि लाइन ऑफ जींस का इसमें अगर मरफू हो तो क्या है रफा भी लाजिम है और तकरार भी लाजिम है, या ये है कि लाइन ऑफ जींस के इसमें मारिफा नहीं है नकरा ही है, लेकिन क्या कर लिया है, क्या है लाइन ऑफ जींस के इसमें के दरमियान फसल कर दिया गया किसी और चीज़ के ज़रिए से, तो ला फिदारी रजुल नकरा है फसल कर दिया गया है, तो इन दोनों ही सूरत में, कौन दोनों सूरत में ला नफी जींस के इसमें मारिफा हो या फिर क्या हो जाए फसल हो जाए, ला नफी जींस के इसमें के दरमियान फसल हो जाए तो क्या कर ले जाएंगे आप, तो ला नफी जींस के इसमें के दरमियान फसल हो जाए, दूसरे ला के दरमियान फसल हो जाए, दूसरा ला ये बात की बात जो तकरार हुए लाने वाले, तो क्या करें, क्या लाजिम ज़रूरी, दो चीज़ें लाजिम ज़रूरी हैं, रफा ज़रूरी है और तकरार ज़रूरी है, मिसाल फिर गया, पहले मिसाल देखो आप, ला जैदुन फिदारी वला अमरुन, ये ठीक हो गई जी, अब दूसरा क्या है ला फिदारी रजुल वला, तो तफसील देखो बेटा हो गया। अब एक मिसाल के ज़रिए से एक सवाल मुकद्दर का जवाब, आपने क्या पढ़ा है बेटे, क्या अगर ला नफी जींस का इसमें क्या हो जाए मारिफा हो जाए या मारिफा ना हो लेकिन उसके इसमें के दरमियान और दूसरे जो ला आने वाले हैं फसल कर दिया जाए तो तकरार और रफा वाजिब है कि नहीं। एक मिसाल आपको दिखाते हैं जहाँ क्या है वो मारिफा है, ना तो तकरार है लाम की तकरार है और ना ही रफा है जी। जिसे मिसाल क्या है, एक मिसाल कज़ियतुन ला अबा हसनिल्लाह, तो ये अबा हसन क्या है, हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की लक़ब है, इनका क्या है लक़ब है, लक़ब को आलम के दर्जे में रखा जाता है, एक बात दूर की लगे जा रहे हैं, एक आलम है ऐसी तरह क्या है, किसी का कोई लक़ब हो जाए तो क्या हो जाएगा वो भी आलम का, नहीं जो आलम के लिए जो हुक्म होता है वही हुक्म किसके लिए होता है रफा के लिए होता है, आलम यानी मारिफा, ठीक है समझ रहे हो भाई, मारिफा में से आपने पढ़ा था ना पीछे असबाब मनासर में किसको ले आता है, आलमियों को ले आता है, तो असबाब मनासर में आलम बोलो या मारिफा बोलो उससे मुराद क्या होता है, यहाँ पे वही कंडीशन, ठीक है। अब एक मिसाल आपको दिखाते हैं कि जहाँ क्या है ना तो तकरार है और ना ही रफा है, कज़ियतुन ये ऐसा फैसला है
ला अबा हसन ला के जिसके फैसला करने वाले हजरत अली ना रहे, इसका तर्जमा है। सहाबा कराम के दरमियान जब कोई मसला ऐसा पेश आता, ठीक है, जिसका हल वो ना कर सकते थे, ठीक है, तो इसके बारे में एक वाक्य उन्होंने पेश किया है, आपके हाशिए में लिखा हुआ, ज़रा देखते हो क्या लिखा है, पूरा पढ़ते उसको। जवाब सवाल मुकद्दर हुआ अन्ना अबाल हसन फ़ी क़ौलिहिम हाज़ा, लिखा क्या मारिफा लअन्नहु कुन्नियत सय्यिदना अली रज़ियल्लाहु तआला अन मअन्नहु ला रफ़अ फ़ीहि वला तकरीरा, कि ये क्या है हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की कुन्नियत है। मैंने कहा कि कुन्नियत और रक़ब उसको किस में रखा जाता है, आलम के दर्जे में रखा जाता है, जो हुक्म आलम का होगा यानी मारिफा होगा वही हुक्म है इसका होगा भैया जी। तो ऊपर जो मारिफा है उससे मुराद क्या है बड़े, वो आलम ही लिया जाएगा। तो गोया इसके अंदर किताब के अंदर लाइन ऑफ इंजीनियर के बयान में मारिफा के कई माने आ गए, एक मारिफा वो है मुफरद वो है जो क्या होता है नगरा के मुकाबले में हो, और मारिफा के साथ अकसाम होती है, उन अकसाम में से एक किस्म कौन है आलम है वो यहाँ मुराद है। देखिए क्या है इसमें जिक्र की उन्होंने बात की है, तो इसमें क्या है ना तो तकरार है और ना ही रफा है, कज़ियतुन यह अलग हो गया कज़ियतुन ला अबा हसन ला, तो लिखा है कि ये इसकी तावील की जाएगी फ़ता मुतअव्वलुन, ये क्या है भैया ये इसकी तावील बयान की जाएगी, ये तावील क्या बयान की जाएगी उसको लिखा है ना कि हादी कज़ियतुन ला फ़ैसला लहा लिअन्न अली रज़ियल्लाहु तआला काना मशरून बिफ़सल क़ज़ाया वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल ने फरमाया अक़ज़ाहुम अली, ये हदीस पाक मौजूद है। तो इसकी तावील क्या बयान की जाएगी, जैसे कहा था लिकुल फिरऔनिन मूसा, फिरऔना नहीं बोलते हैं बल्कि क्या बोलते हैं फिरऔनिन, क्यों इसके नगरे के माने में उसको लिया जाता है, यानी हर फिरौन के लिए क्या है मूसा, यानी हर जालिम के सामने क्या है एक इंसाफ पर मौजूद है। तो जिस तरीके से क्या कर लिया जाए, एक फिरौन है आलम है उसको क्या किया नगरे के माने में उतार लिया गया है, ऐसे ही यहाँ पर क्या कर लिया गया कि वो एक कुन्नियत को नगरे के माने में ले लिया गया, जब नगरे के माने में ले लिया लेंगे क्या हो जाएगा वो मारिफा नहीं रहेगा, जब मारिफा नहीं रहेगा तो जो उसके साबिक में जो हुक्म बयान किया गया है उसी हुक्म में चला जाएगा। तो नगरा क्या इससे पहले लफ्ज़ हुक्म निकालेंगे मिसल निकालेंगे, क्या निकालेंगे भाई मिसल निकालेंगे। मेरी किताब में लिखा है साहब कराम रज़ियल्लाहु तआला कहा करते थे कज़ा के वक्त, इसका माना क्या होगा कि ये एक मुश्किल कज़िया है ला यलीक़ु बिल हुक्म फ़ीहा ग़ैरा बिल हसन है, कज़ियतुन ला अबा हसन ला मतलब क्या है, यानी ऐसा फ़ैसला है कि जिस फैसले जिसका जो हुक्म करने वाले होंगे वो हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला नहीं होंगे। हादी कज़ियतुन ये ऐसा मुश्किल फ़ैसला है कि जिसमें हुक्म हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला के अलावा कोई भी नहीं कर सकता है, हादी कज़ियतुन मुश्किलतुन ला यलीक़ु बिल हुक्म फ़ीहा ग़ैरु अबिल हसन, इसका माना ये निकलेगा हादा हुक्मुन वलैसा अबुल हसन हाज़िरुन फ़ीही, यानी एक ऐसा फ़ैसला तुम लेके आए हो फैसला कराने के लिए कि जिस फैसले के फैसले करने वाले हज़रत अली मौजूद इस वक्त नहीं है। तो ये जुमला उस वक्त बोला करते थे सहाबा कराम जब कोई ऐसा मुश्किल मरहला आता और उस वक्त फैसला करने वाले हज़रत अली मौजूद ना होते, बस समझ आ गई। उसके बाद उन्होंने क्या करेंगे वो किस पर चलेगा, वो तावील को मुख चला जाएगा, तावील क्या निकालेंगे बड़े, तो तावील के लिए दिगर शारे ने लिखा है कि लफ्ज़ मिसल निकालेंगे, कज़ियतुन ला मिसला अबी हसन ला, लिख लो बेटे बराबर जो मैं बोल रहा हूँ आपको बराबर लिख लिया आपको, कज़ियतुन ला मिसला अबी हसन लहा, ला के समझे कौन सा कज़िया, यानी एक ऐसा कज़िया है कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के तरह इसके फैसले करने वाले मिसल मौजूद नहीं हैं, इसका माने हो गया। अब हमने इसको अभी को आबा हसन कैसे किया, तवज्जो बड़े, मैंने कभी आपको कहा था कि लफ्ज़ मिसल और कुछ करमत ऐसे आते हैं जो मुजाब भी हो जाएँ तो उसमें ये नकारत में डूबे हुए हैं, कौन कौन आए ना है मिसल और लफ्ज़ गैर बताता शायद तीन बताया था, इसकी तफसीरी गुफ्तगू इंशाल्लाह मबनी के बयान में आने वाला है, जहाँ मिसल और गैर कह रहा बयान किया गया मोरव मबनी इंशाल्लाह वहाँ बयान करेंगे अब, ठीक है। अब असली इबारत क्या है, कज़ियतुन ला मिसला अबी हसन ला, अभी इस अब से पहले क्या लगे हो आप मिसल लगो, मैं कल पूछूंगा नहीं बता तो मानूंगा बट मैं, हाँ खान सर के बारे में आता है कि वो डंडा रखे रहता है बच्चों को मारता है तो उसके यहाँ पढ़ाई ज़्यादा होती है जी, हाँ तमीर काफिले ने काजी बैदावी इमाम राजी ने लिखा है हुदल्लिल मुत्तकीन की तरह लिखा है साथ के रहमा के अंदर कि तरगीब से पहले तरहीब ज़रूरी है डंडा ज़रूरी है, एक मज़मून लिखने वाला हूँ जहाँ मारने की फजीलत पर
कितना मार सकते हैं शरीयत के अंदर, बच्चों को मारना पड़ना चाहिए। चलो हो गया भैया, समझ आ रहा। तो मिसल को हजम कर दिया, हजम कर दिया कि मिसल क्या है, नकारत में एकदम डूबा हुआ है, इसकी इजाफत भी कर दोगे ना मारता नकारा, तब भी जिसकी तरफ जाओ करो तब भी क्या बनेगा, ये नकार ही रहने वाला है, ये ऐसा है। तो मिसल को हटा दिया, तो मिसला अभी हसन था, तो ला का इसमें कौन था असल में, मिसल था। तवज्जो दे बेटे, ला का इसमें कौन था, मिसल था, क्यों मुजाफ है ना, मुजाफ में क्या बनेगा, वो मनसूब बनेगा ना, पढ़ेंगे नहीं पढ़े हो। तो मिसल को हटा दिया, अब क्या अभी था, अभी को लेकर आया किसकी जगह पे, मिसल की जगह। अब लफ्ज़ अब क्या बनेगा, हालत नसब में बने करेंगे, बनेगा ला नफी के जिनसे का इसमें बन रहा है, मुजाफ बन रहा है, उसको बना रहे हैं, तो अभी को बना दिया किसके जरिए से, अबा बना दिया, क्या हो गया, कज़ियतुन ला अबा हसनिल्ला बन गया ये, समझ गए। वक्त हो रहा है, तबीयत के नासाजी भी है, आगे एक अरे बंदे खुदा इसके असल क्या है, ला मिसला अभी हसनिल्ला, तो ये चला जाएगा उधर चला जाएगा ना, मुजाफ़ मुशाफ मुजाफ में चले जाएगा, तकरार का वाजिब है जब मारी पाओ जी, या फिर क्या हो जाए, फसल कर दिया जाए, हाँ और अलग कंडीशन है, यहाँ तो कुछ भी नहीं है, समझ गया ना बात। तो इसका अराब चले जाएगा पहले वाले अराब की सूरत में, जहाँ मुजाफ के अराब होता और मुशाबे मुशाफ, यानी असल इबारत क्या है, ला मिसला अभी हसनिन लहा है, मिसल को गिरा दिया, अब को उठा करके मिसल की जगह पर रखा, मिसल मुजाफ था तो अब को भी बना दिया, क्या मुजाफ बना दिया, क्या बन जाएगा भाई, हालत नसीबी में अराब क्या आता है उसका, अबा आता है, तो ला अबा हो गया, बन गया किस्सा खत्म, हो गया भाई तावील। ये इबारत इम्तहान में आ सकती है, कज़ियतुन वला अबा हसन ला से क्या कहना चाह रहे हैं, इसका आप बारहनामा बताइए, मुकम्मल जो तफसील आपने सुनी है, असल क्या है अराब क्या, उसको आप लिख दीजिएगा। आगे बढ़े, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह के पाँच सूरत है, तो कैसे पढ़ा जाएगा, ला नफी जिनसे के लिए मानेंगे, ला नफी के लिए मानेंगे, आपको याद रखना चाहिए बेटे। एक आता है ला, शुरू में मैं करना भूल गया, मैंने किताब मंगाया था, एक वो ला आता है जो जो किसके मानों में आता है, लैसा के मानों में आता है, तो वो इसम को रफ़ा करता है और ख़बरों को नसब करता है, जैसे क्या ला जैदुन ला रजुलुन कायमन, ये है ला रजुलुन कायमन, तो यहाँ पे ला के बाद इसकी सिफत क्या लेके आए, बिला अल्लती लिनफी जिन्स, एक ला वो आता है जो नफी जिन्स के नहीं आता है। इसी मिसाल आपको बता दो बेटे, मैंने एक जुमला कहा आपको, ला रजुल फिदार, एक जुमला में बोल रहा हूँ, दूसरा क्या बोल रहा हूँ, ला रजुला फिदार, दोनों में क्या फ़र्क है, मतलब क्या हो जाएगा, क्या फ़र्क है, हमने कहा ला रजुल फिदार, इसलिए मैं शुरू में बयान करना था, इसको अब देख लेना, बयान ना कर सका पहले बयान करना चाहिए। तो ला के दो माने आते हैं, एक नफ़ी माहिद के लिए और एक नफ़ी जिन्स के लिए, हो जाए हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ला रजुन का मतलब ये होता है एक एक फिदार, ला रजुन फिदार घर में एक मर्द नहीं, अगर दो मर्द घर में मौजूद है तभी ये बात सादिक है, समझ आ रही है, ला रजुन फिदार क्या है, अगर घर में दो मर्द भी हैं तो ये बात सादिक आएगी, एक मर्द की हमने कहा एक मर्द घर में नहीं है, मतलब दो लोग हैं तो बहुत सारे लोग हैं, जब ला रजुला कहा तो कोई भी नहीं, ना एक है ना दो है ना बहुत सारे मिलकर मीटिंग करने वाले, कोई भी नहीं, समझ आ रहा है, इसलिए ला के कई माने आते हैं, वजह इसलिए ला के लिए ताकि ये अलफा क्या लगे, आप तक आपने सुना नहीं था, कल मनसूब बिला अल्लती अली नफी चिटू कह रहे भैया, कहने की वजह ये है कि ला के दो माने आते हैं, क्या माहिर के लिए नफी के लिए आ जाए, कभी के बाद जिनसी के नफी के लिए आ जाए, ठीक है, एक माने भी होता है कि ला रजुल फिदार, ला रजुल फिदार घर में मर्द नहीं है औरत हो सकते हैं, ये भी मान हो सकता है कि घर में एक मर्द नहीं है, दो हो सकते हैं, पाँच हो सकते हैं, ठीक है, ये बातें साहिब साफिया ने लिखी है। तो लाए नफी जिन्स और वो ला जो लैसा के माने में आता है, दोनों में फ़र्क है, लैसा के माने जाता है पिछा पड़ चुके हो माजैदन कायमन ला रजुलुन कायमन वाला, तो दोनों में क्या है थोड़ा सा फ़र्क है, इसलिए इसके कायदे एतराज़ी लाने पड़े, ला ले नफी जिन्स सीख रहे, ये क्या हो मनसूबात में आता है, वरना वो जो है वो वाला कंडीशन, ठीक है, वरना उसका क्या होता है, इसमें क्या होता है वो मरबू होता है, ख़बर भी क्या मनसूब में सी है, अगर दोनों एक ही हो जाते हैं तो भी यहाँ इसको बयान करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, लाइन फिर जिनसे बयान करने की जरूरत थी क्या, नहीं, कुछ फ़र्क है मानी के अतबार से, वो फ़र्क हमको बयान कर दिया, शायद इससे पहले आपने पढ़ा नहीं होगा, पढ़े थे गुफ्तगू इस तरह, नहीं लाइन जिनसे ये शायद नहीं पढ़े हुए, नहीं बात, चलो अब आगे मानेंगे बड़े भाई, ला हौला वला कुव्वता है लाइन जिनसे के पास, उसमें एक ला जहाँ जहाँ आप मनसूब पढ़ेंगे वो लाइन जिनसे के लिए होगा, ठीक है, जहाँ जहाँ आप रफ़ा पढ़ेंगे ना
इसको ला को किस मान में लोगे आप? लैसा के मान में लोग। समझ बात हो गई? अब ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, दोनों में ला में ला किस मान में जाएगा? ला हौल में कहा जाएगा आपको? लैसा के मान में। अब इन दोनों एतबार से काफ़ी है, दोनों में कवायदनों में लिखा हुआ कि नहीं है, पूरी तफसीर मौजूद है। यहाँ पर ला किस मान में लेंगे और कौन से मान में नहीं लेंगे उसके आप लोग देख लीजिएगा, 5 मिनट का वक्त है देख लेगा। मैं इंशाल्लाह हो सकता है आगे का पढ़ाऊँगा कल, ठीक है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।